हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सरल भाषा में सेंटल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, बहुत ही सरल। और आप इसे परीक्षा में छोड़कर नहीं आओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप इसे छोड़कर नहीं आओगे। देखते हैं, द पोएट इज वेरी सैड, कवि बहुत दुखी है। ही हैज बिकेम ब्लाइंड, वह अंधा हो गया है। यहाँ पर जो कविता लिखी है उसमें कवि अपने बारे में बताता है कि मैं अंधा हो गया हूँ और मैं कविता लिखने में असमर्थ हूँ, मैं बहुत दुखी है। फिर वो भगवान के बारे में बताता है, वो उसी का सिंपल आइडिया इसमें लिखा गया है। द पोएट इज वेरी सैड, ही हैज बिकेम ब्लाइंड, ही हैज सॉरी एज ही विल नॉट बी एबल टू सर्व, यानी वह अंधा हो गया और वह कविता लिखने में असमर्थ है। गॉड बाय राइटिंग पोएम्स, यानी कविता लिखने में असमर्थ है। आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस, ठीक है, आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस, बाद में वह कहता है भगवान महान है, मैं कहता ही सेस, वह कहता है दैट कि ही इज द किंग ऑफ किंग्स, वह राजाओं का भी राजा है। ही डज नॉट नीड एनी मैंस वर्क, उसे किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए बता रहा है कि भगवान महान है, वह राजाओं का भी राजा, उसे किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ एंजल आर एट हीज डिस्पोजल, हजारों देवदूत उसके पास है, उपस्थित हैं। दे आर रेडी टू कैरी आउट हीज ऑर्डर, उसके आदेश के लिए उपस्थित रहते हैं हजारों देवदूत। द पीपल हु आर सेटिस्फाइड, लोग संतुष्ट हैं विद देयर लॉर्ड एंड डू नॉट कंप्लेन, उसके लिए सब संतुष्ट हैं और शिकायत नहीं करते। आर हिज ट्रू वर्शिप, ट्रू मान सत्य वर्शिप मिस पूजा के लिए कंप्लेन। इसी तरह से दोस्तों, द पोएट इज वेरी सैड, ही हैज बिकम ब्लाइंड, ही इज सॉरी एज ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड बाय राइटिंग पोएम्स, आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड ग्रेटनेस He said that he is the king of kings, he does not need any man's work, thousands of angels are at his disposal, they are ready to carry out his order, the people who are satisfied with their lord and do not complain are his true worship। है ना छोटा, बहुत सरल है, आपको याद हो जाएगा।